मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रॉय अनि मिरिक थाना प्रभारी सुदीप कुमार रॉय ले ग्राम पंचायत कर्मचारीहरू अनि मिरिक प्रेस क्लब का संचारकर्मी रोशन राय दीप मिलन प्रधान अनि युवन गुरुङ र मानव अधिकारी वादी कार्यकर्ता धदिराम घिमिरे आदिलाई लिएर थुलुङ गाउँ मर्मा डाँडाधुरा मर्मा नयाँ कमान आदिको क्वारेन्टाइन सेन्टरको भ्रमण गर्दै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको दुःख सुख बुझे अनि उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गरेका छन्। मिरिक बस्ती थुलुङ गाउँको प्राथमिक पाठशाला मर्मा डाँडाधुरा सार्वजनिक भवन अनि मर्मा नयाँ कमानको प्राथमिक पाठशालामा देशको विभिन्न सहर अनि नेपालबाट फर्किआएकाहरू गाउँ समाजको मार्गदर्शनमा क्वारेन्टाइन गरिरहेको छ। उनीहरूलाई कुनै पनि अभाव र समस्या भए तत्काल सम्पर्क गर्ने महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रॉयले सुझाव दिएका छन्। केसके लिए जस्ट टू अब्जर्व तो सेक्लूशन में थोड़ा रखने के लिए ये बना गया है। तो हम सभी जगह पे जा रहा है, पब्लिक लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग आए हैं उन लोगों को प्रॉब्लम है तो हम बात कर रहे हैं, उसको समाधान करने के लिए कोशिश कर रहा है। और हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग साथ में है, सब मिलकर एक साथ काम कर रहा है, सब मिलकर कोरोना के अगेंस्ट में लड़ाई है। ये इन लोगों जो आए हैं उन लोगों के अगेंस्ट लड़ाई नहीं है, वो हमारा अपना ही आदमी है, लेकिन कोरोना का अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम लोग को थोड़ा अलग से रखना है। और हम साथ में है, साथ में लड़ रहा है, पूरे मिरिक वासी साथ में है, यही मैसेज देना चाहते हैं। हाँ सोशल देखिए डिस्टेंसिंग अभी सोशल डिस्टेंसिंग के तरफ से दिख रहा है समाज में, मतलब नहीं देखिए डिस्क्रिप्शन कोई कोई जगह पे हम लोग बात करते थे उसमें कोई कोई बोला है कि गांव वालों थोड़ा नेगेटिव नज़रे से देखता है, कहीं सब जगह पे नहीं है, एक दो जगह पे ऐसा है। तो उसमें भी हम गांव लोग बगावल को अवेयरनेस कर रहे हैं, जैसे थ्रू एसएससी थ्रू आईसीडीएस वर्कर थ्रू आशाकर्मी सब द्वारा हमारे जीपी स्टाफ पूरे ब्लॉक का स्टाफ सब मिलकर हम समझा रहे हैं पब्लिक को, ऐसे बात नहीं है, वो लोग अपना ही है, थोड़ा जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए कोई सिम्टम अगर ना हो 14 दिन में अगर सिम्टम नहीं आएगा तो एसपर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 15 जीपी हम टारगेट किए हैं, वो ही जो हम लोग सोरेनी 2 जीपी किया है तो उसका पहले लास्ट वीक में हम लोग CPGP पूरे सब कोऑर्डिनेट सेंटर में गए थे जहाँ पे आदमी आया हुआ है। ये आगे चलते रहेगा, पूरा हर दिन कहीं ना कहीं कोई जगह पे हम लोग जाएंगे तो पब्लिक लोग मिलेंगे। हम लोग का रूटीन वर्क है, एक घंटा हम लोग बना लिए इसको, ये क्योंकि हम लोग है पब्लिक का साथ में है। देखिए अरेंजमेंट तो ठीक है, सभी पूरा 100% घर जैसा तो माहौल दे नहीं सकते हैं, उसमें जो है हम लोगों में उतने हम लोग किए हैं, बाकी गाँव वाले भी मदद कर रहे हैं उसमें। तो 1020 पब्लिक आ चुका है बाहर से, जो बाहर में कोई काम करने के लिए या कोई और दूसरा कारण के लिए गया था, तो 1020 आदमी आ चुका है। तो उन लोगों को रखने के लिए पूरे गाँव के सहयोग से एक एक गाँव में हम लोग एक दो हाम्रो अहिले जुन चाहिँ कोरोना सङ्कट लिइरहेको छ, हाम्रो एसडिओ सरहरूले राम्रोसँगले कोअपरेसन दिइरहेको छ, सबै जग्गा गाउँ बस्ती घुमेर चामल दाल बाँड्नुहोस् कि यहाँ पब्लिकले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, राम्रो उद्देश्यले गर्नु भएको छ। आज सरले उहाँ धेरै जग्गा भ्रमण गर्नुभयो, म पनि साथमा एकम्पनी गरेँ र सरले भन्नु मैले भनिदिएको सरको लेभलबाट एउटा स्टेट टास्क फोर्स पनि हाम्रो गठन भएको छ, बिडिओलाई म्युनिसिपालिटीले सबैले लिएर र ब्लक लेभलमा पनि एउटा टास्क फोर्स गठन भएको छ सबैले लिएर, र यसमा हामी सबै अब जनतासँग मिलेर सबै मान्छेसँग मिलेर हामीले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ अब लडेर जित्नु पऱ्यो। अब किनकि कोरोना भाइरसलाई अब यता लकडाउन गरेर चाहिँ हामीले यसलाई अलिक अड्काएको मात्रै हो, अब यो फैलिने चिज हो र हाम्रो जतिसक्दो हामीले अब आम जनतालाई भन्न चाहन्छु कि हामीले लडेर जसलाई यसलाई चाहिँ यसलाई जित्नुपर्छ, यो वारलाई चाहिँ जित्नुपर्छ कोरोना वार। हाम्रो मिरिकको जनता सबैलाई म अपिल गर्छु कि यो रुमर्स भन्ने चिज अब हाम्रो मिरिकमा चाहिँ सबै जग्गा कमन चिज हुन्छ, जस्तो पुरानो भन्थ्यो नि त्यो अब नर्मस हुन्छ, पाद्यो भने उनीहरू हग्यो भन्छ र हग्यो भने छेर्यो भन्छ, छेर्यो भने मोर्यो भन्छ। अब यो रुमर चाहिँ नफैलाइदिनु होला र त्यस्तो रुमर फैलाउने हामीले सोर्स भेटायो भने हामी स्ट्रिक्ट लिगल एक्सन लिनेछौँ र अहिले सिचुएसन टोटल हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्टले एक्टले टोटल कभर गरेको छ, यस्तो केही भेटायो भने हामी स्ट्रिक्ट एक्सन लिनेछौँ र पब्लिक एपिल पनि गर्छौँ कि यस्तो रुमर नसुनिदिनु होला, केही भेरिफाई गर्नु होला, एडमिनिस्ट्रेसनबाट भेरिफाई गरेर मात्रै यो कुरा बुझ्नुहोस् होला।